में आज फैसला सुनाया जा रहा है और रांची में अदालत के अंदर जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। जगन्नाथ मिश्रा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बरी कर दिए गए हैं चारा घोटाला के इस मामले में। आपको बता दें कई मुकदमे एक साथ चल रहे थे और एक मामले में जगन्नाथ मिश्रा को इससे पहले सजा हो चुकी है, लेकिन इस चौथे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को राहत मिली है और उन्हें बरी कर दिया गया है। जगन्नाथ मिश्रा बरी हो गए। सबकी निगाहें हैं कि लालू यादव पर आखिर अदालत क्या फैसला सुनाती है। अभी तक हुए सभी मामलों में सभी फैसलों में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। अब ये चौथा मामला है जिस पर फैसला आना है, चारा घोटाले का मामला। करोड़ों रुपए की अवैध निकासी चारा के नाम पर की गई थी दो दशक पहले और उसको लेकर के ये मुकदमे दाखिल किए गए हैं। सीबीआई ने इन मामलों की जांच की थी और लालू यादव जो इन्हीं इसी सिलसिले में जेल में हैं, जिन्हें अदालत दोषी करार दे चुकी है तीन मामलों में, चौथे केस में उनका क्या होता है अंजाम ये देखना बाकी है। तो लालू यादव को चौथे मामले में भी क्या मिलेगी जेल या इस बार राहत, बने इसी बड़ी खबर पर। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।